नमस्कार, मैं नीरज चौक पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी छाई हुई है, तो इसके आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे विश्व में अब तक कोरोना के 1,60,00,000 केस अब तक आ चुके हैं, जिसमें से 6,42,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो सबसे पहले नंबर पे पूरे विश्व में अमेरिका चल रहा है कोरोना पॉजिटिव केस में। तो अब तक अमेरिका में 42,00,000 केस आ चुके हैं, जिनमें से मौत जिनकी हुई है वो हैं 1,48,490 लोगों की मौत हो चुकी है। और पूरे विश्व भर में ब्राजील दूसरे नंबर पे है, कोरोना पॉजिटिव केस हैं इसमें 23,00,000, जिसमें से 85,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और भारत का तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है कोरोना पॉजिटिव केसेस का। कोरोना पॉजिटिव केस हैं भारत में 13,37,000 अब तक के जो हैं। और भारत में अब तक कोरोना से 31,406 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत दुख की बात है कि कोरोना से इतने लोगों की मौत होती जा रही है लगातार, और इसकी कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं बन पा रही है। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कोरोना से बचने के लिए कि हम अपनी सेफ्टी अपने आप ही करें। जैसा कि सरकार निर्देश देती जाती है, उनके निर्देशों पे हम पालन करते जाएं, फॉलो करें उनको, अपने मतलब जो हाथों को सैनिटाइज करें बार बार, मुंह पे मास्क लगा कर रखें। और ये तो थे हमारे आंकड़े पूरे विश्व के, और वहीं हमारे आंकड़े जो हरियाणा में हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। हरियाणा में जो कल रात तक ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हैं, गुरुग्राम में 127, फरीदाबाद में 203, सोनीपत में 65, रोहतक में 35, भिवानी में 2, रेवाड़ी में 59, करनाल में 30, अंबाला में 55, झज्जर में 20, पलवल में 15, महेंद्रगढ़ में 24, पानीपत में 35, कुरुक्षेत्र में 25, सिरसा में 6, फतेहाबाद में 17, पंचकुला में 21, यमुनानगर में 20, कैथल में 10 और चरखी दादरी में 2। ये कल रात तक के जो नए केस आए हैं कल में वो हैं, उसके आंकड़े मैंने जो अभी अभी आपको बताए हैं, कल के दिन में ये नए कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। तो ये जो लगातार दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये एक मतलब हमें थोड़ा ना होगी, ये बीमारी उसको हो गई या उसे हुई है, तो हम इसके मामले में बहुत लूज चल रहे हैं। इसके मामले में हमें स्टिक होना पड़ेगा, और अपने आप को बचाने के लिए जो दिशा निर्देश चल रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। जो कोरोना से बचने के लिए निर्देश चल रहे हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, कहीं बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर जाना होगा, बहुत जरूरी काम से ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।